बांग्लादेश में लगातार चल रही हिंसा के बीच भारत के बॉर्डरों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीएसएफ की कई टुकड़ियां बांग्लादेश सीमा पर गश्त कर रही है और दिन रात चाक चौबंद तरीके से बॉर्डर को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। वहीं समुद्री रास्तों पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस मामले में भारतीय तटरक्षक बल समेत कई टुकड़ियां समुद्री रास्तों की भी सुरक्षा कर रही है और घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने में लगातार जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करों का एक समूह बीएसएफ जवानों की नजर में आ गया, जिसके बाद दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई और इसमें एक बांग्लादेशी तस्कर की मौत हो गई। दरअसल रात के अंधेरे में कुछ 5 से 6 तस्कर सर पर सामान बांधकर बांग्लादेश की ओर जा रहे थे। इस दौरान एक बीएसएफ जवान ने उन्हें देख लिया। बीएसएफ जवान ने उनका पीछा किया और उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन तस्करों ने पीछे से आ रही बीएसएफ जवान की आवाज को अनसुना कर दिया और लगातार आगे बढ़ते रहे। ऐसे में झाड़ियों में छुपे कुछ बांग्लादेशी तस्करों ने बीएसएफ जवान पर भारी हथियार से हमला कर दिया। ये हथियार लोहे की रॉड और कुछ धारदार तरीके का हथियार बताया जा रहा है। हथियार से हमला करने के बाद बीएसएफ जवान ने भी आत्मरक्षा में कई राउंड फायर किए और इसमें एक तस्कर को गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ के बाद बीएसएफ ने बयान जारी किया है। बीएसएफ ने अपने बयान में कहा, इलाके में गश्त कर रहे बीएसएफ के एक जवान ने 5 से 6 लोगों को सिर पर सामान लेकर भारतीय क्षेत्र से बांग्लादेश की ओर जाते देखा। जवान ने तुरंत आगे बढ़कर तस्करों को रोकने के लिए कहा। लोगों ने जवान के निर्देश को नजरअंदाज कर दिया और झाड़ियों के पीछे छिपे तस्करों के एक अन्य समूह ने जवान पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। जवानों ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई। गोलीबारी के बाद बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर और जंगली झाड़ियों की आड़ लेकर भारतीय सीमा की ओर भाग गए। एक बांग्लादेशी तस्कर घायल अवस्था में मिला, जिसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। बयान में ये भी कहा गया है कि मृतक की पहचान बांग्लादेश के चपई नवाबगंज जिले के ऋषिपारा गांव के निवासी अब्दुल्ला के रूप में हुई है। बांग्लादेश में लगातार चल रही हिंसा के बीच में भारत में भी हाई अलर्ट जारी है। भारत के कई राज्यों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने भी इस मामले में बयान जारी किया था और कहा था कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है और उन्हें वापस उनके वतन भेजा जाएगा। इस मामले में राज्य सरकार ने डेटा जारी कर ये जानकारी दी थी कि राज्य में कितने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी हैं और उनकी पहचान कर उन्हें जल्द ही वापस भेजने का प्लान था। और इसी डर से अब लग रहा है कि कई बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं, जिनमें तस्करों का एक समूह बीएसएफ जवान ने पकड़ा, हालांकि वो अंधेरे में झाड़ियों की आड़ लेकर भारतीय सीमा की ओर वापस भाग गए।